कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के एक बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शिवराज पाटिल ने कहा है कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है, भगवद गीता में भी है और ईसाई धर्म में भी है। वो दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। शिवराज पाटिल ने कहा, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो जिहाद ही है। शिवराज पाटिल के बयान पर बीजेपी ने अब एतराज जताया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर पाटिल से ये बयान दिलवाया है। वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कही। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भगवत गीता को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मौका था कांग्रेस की सीनियर नेता मोहसिना किदवई की बायोग्राफी के विमोचन का। शिवराज पाटिल ने अपनी स्पीच में गीता के उपदेशों की तुलना जिहाद से कर दी। शिवराज पाटिल ने कहा कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शिवराज पाटिल यही नहीं ठहरे, उन्होंने कहा कि जिहाद की बात केवल कुरान शरीफ और गीता में ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। इसके लिए पूर्व गृह मंत्री ने उदाहरण भी दिया। जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। शिवराज पाटिल के श्री कृष्ण के उपदेश से जिहाद की तुलना पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी ने इसे सोची समझी रणनीति करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग करके ये बयान दिलवाया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। क्योंकि इसी व्यक्ति ने, शिवराज पाटिल जी नहीं, पहले हिंदू टेरर और सैफरिन टेरर के शब्द को गढ़ा था। ये वही पार्टी है जिसने राम जी के अस्तित्व को हलफनामे में नकारा था, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, जिन्होंने 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालने का काम किया था, हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से की थी, और राहुल गांधी ने तो एलईटी को कम खतरनाक बताया था और हिंदू ग्रुप्स को ज्यादा खतरनाक बताया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।